नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को आगामी रबी खरीद सीजन 2021-22 के दौरान फसलों की सुचारू खरीद के हेतु किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण जल्द शुरू होगा। यह भी बताया गया कि रबी खरीद सीजन के दौरान राज्य सरकार 1975 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं, वहीं 4,650 रुपए प्रति क्विंटल की MSP दर से 8 लाख मीट्रिक टन सरसों, वहीं 5,100 रुपए प्रति क्विंटल की MSP दर से 11,000 मीट्रिक टन चना और 5,885 रुपए प्रति क्विंटल की MSP दर पर 17,000 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद करेगी, जबकि राज्य में गेहूं की खरीद के लिए 379 मंडियां स्थापित की जाएंगी। वहीं सरसों के लिए 71 मंडियां, चना के लिए 11 मंडियां और सूरजमुखी के लिए 8 मंडियां बनाई जाएंगी। एजेंसी से किसान को सीधे या आढ़तियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान का विकल्प पंजीकरण के समय लिया जाएगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों की सहायता के लिए एक पूरी तरह से कार्यात्मक कॉल सेंटर बनाया जाएगा। बैठक में ये भी बताया गया कि दिसंबर 2020 के महीने में आढ़तियों के साथ बैठक करके नए ई खरीद सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा फरवरी में एजेंसियों और HSAMB कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि खरीद शुरू करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से बनी रहे। बैठक में बताया गया कि भुगतान मॉड्यूल की ई खरीद का एक हिस्सा होगा और इस उद्देश्य के लिए कई बैंकों को सूचीबद्ध किया जाएगा। जब भी भुगतान किया जाएगा तो प्राप्तकर्ता आढ़तियों या किसानों को एक SMS भी भेजा जाएगा। इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति के उपभोक्ता मामले द्वारा विभाग द्वारा रबी 2021 के दौरान भुगतान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हितधारकों की सहायता के लिए एक कॉल सेंटर संचालित किया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की रिपोर्ट।